अब हम अगर अपने एंड टू एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की तरफ देखें तो एक दो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, उसके बाद मैं मूव कर जाऊंगा हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम पे और फिर कौन सा मशीन लर्निंग का कोड है जो हम यूज करेंगे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसमें एक छोटी सी एडिशन है डेटा पाइपलाइन की। डेटा पाइपलाइन, ये आपने वर्ड जैसे पहले भी शायद सुना होगा, वरना इसके लफ्जी माने से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। सिंपल पाइपलाइन एक हमारे पास क्या होती है, जिसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं हमारे पास। तो मशीन लर्निंग में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लामाला बड़ा इजीली समझ सकते हैं वो क्या होंगे, कि आपके पास किसी भी किस्म का इनपुट डाटा है, उसकी प्री प्रोसेसिंग कर रहे होगे, उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, उस पर डिफरेंट मॉडल्स को अप्लाई करोगे, मॉडल्स अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसे डिप्लाई करेंगे, फिर उस पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाइफ साइकिल चलाते रहेंगे एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमने टर्म्स क्यों ऐड की वो थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि अभी जो हम ये अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं वो हमने चूज़ किया है रिग्रेशन का प्रॉब्लम। रिग्रेशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि रिग्रेशन का सिंपल मानी ये होते हैं कि आपने किसी एल्गोरिथम को चलाना है और उसको यूज़ करते हुए किसी चीज़ की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में आगे आ भी जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा। वो एक हमारे पास हाउसिंग प्राइस का प्रॉब्लम है कि आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया में घर मौजूद हैं, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स मौजूद हैं। कौन से पैरामीटर्स हैं ये भी हम अभी देख लेंगे, लेकिन स्टिल कुछ पैरामीटर्स मौजूद हैं जिनकी बेस पे आपने ये बताना है कि एक गिवन हाउस की क्या प्राइस वैल्यू होना चाहिए। अब ये काफ़ी कॉमन सा प्रॉब्लम है, अगर आप इसको पाकिस्तानी सिनेरियोज़ में भी देखो तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती रहती हैं, प्लाट्स का बिजनेस होता रहता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में इस वक्त एक प्लाट की या एक घर की क्या प्राइस होनी चाहिए, करंट टाइम पे क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकती है, पास्ट में क्या थी, ये सब चीज़ें जो है मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर का बता रहे हो तो तब भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, करंट वैल्यू बता रहे हो तब भी आप प्रेडिक्शन बता रहे हो। लामाला इसके लिए फीचर्स चाहिए, फीचर से मुराद लेट से जैसे मैं घर की बात करूँ तो क्या फीचर्स होते हैं, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, उसके बाद स्केयर एरिया हमारे पास कितना है, कितने पर्सन उसमें आ सकते हैं, बेडरूम्स के अंदर कितने बंदों के छोटे साइज़ के बेडरूम्स हैं, बड़े बेडरूम्स हैं, हॉल का साइज़ क्या है, टीवी लाउंज का क्या साइज़ है, उसके बाद स्पेसिफिक किस जगह पे मौजूद है, विसिनिटी में क्या है, गाड़ियाँ सॉरी शॉप्स वगैरह मौजूद हैं, मार्केट मौजूद है एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास डिफरेंट होती हैं कि जी पैरामीटर्स या फीचर्स हमारे पास होते हैं। अब डेटा पाइपलाइन इटसेल्फ खुद क्या है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ना ये एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा है, डिस्ट्रिक्ट से मुराद लेट से हम कहते हैं जी लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है, पिंडी डिस्ट्रिक्ट है, उनका हमारे पास डेटा है। और आप क्या करते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट का डेटा है उस डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट मुख्तलिफ प्राइसिंग मौजूद होगी। जैसे अगर मैं क्लियर कहूँ कि यार लाहौर डिस्ट्रिक्ट, तो इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक प्राइसेस होंगी लाहौर शहर की। ऑल्दो अब इसको बहुत ज़्यादा सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, टाउन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि यार एक हिस्सा लाहौर का लेट से हम कहते हैं जी बहरिया टाउन में डिफरेंट प्राइस है, जोहर टाउन में डिफरेंट है एंड सो ऑन। तो इन एनी केस तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्राइसेस हमारे पास हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइसिंग का हम लगाएंगे, यहाँ से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्राइसेस आ गए हमारे पास। अच्छा, अब ये मैंने ये जो पूरा ये वाली चीज़ बताई है इसके लिए मैंने ये चीज़ कहा है, इसके कहते हैं सिग्नल, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे आप बड़े आसानी से देख सकोगे कि जो सिग्नल है ये एक इसका फीचर भी है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास जब हमने एक जगह की प्राइस बतानी है तो हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेट्स से जी बेडरूम्स के साथ साथ वाशरूम्स हमारे पास उसमें कितने हैं, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, पर पर्सन रूम की क्या स्ट्रेंथ है, कि यानी कि इससे अंदाज़ा होता है कि रूम बड़ा है या छोटा है, इस तरह किड्स के लिए कोई स्पेशल चीज़ उसमें मौजूद है, इसी तरह उसके अंदर कोई हमारे पास उसकी जो विंड की डायरेक्शन है वो किस तरह की है, इसी तरह वो स्पेसिफिक एरिया कौन सा है। तो ये किस्म का एक फीचर है, इस फीचर को जो मैं फीचर्स बात कर रहा हूँ इन्हें सिग्नल्स भी कहते हैं। इन एनी केस इन फीचर्स की मदद से अब आप ये लगाते हो इन्वेस्टमेंट से हमने क्यों कहा, क्योंकि हम प्रॉब्लम जो उठाई है हमने घर की उठाई है, तो और घर हम क्यों लेते हैं, दो ही मकसद होते हैं, रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। दोनों सूरतों में वो इन्वेस्टमेंट ही होती है कि जब आप रह भी रहे हो तो आप अपनी फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्राइस पैसे भी दे ही रहे हो। तो इन एनी केस तो ये वो फीचर्स हैं जो आपको इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं और इसकी मदद से इन्वेस्टमेंट आती है। अब यहाँ हमने क्या कहा कि ये सिर्फ मैंने एक सिग्नल बनाया, ये सारी जो फिगर है, इसी तरह के काफ़ी सारे ये फीचर्स होंगे हमारे पास जो मैंने अभी बोले थे, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ पर्सन पर रूम, नंबर ऑफ वॉशरूम्स एंड सो ऑन। तो होगा क्या, अब आपका ये जो एल्गोरिथम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस वाला, ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन दिस फीचर जो एक है और बेस्ड ऑन दीज सो मैनी फीचर्स, ये जो यहाँ से सारे फीचर्स आएंगे, आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बना के देगा या प्रेडिक्शन बना के देगा कि आपको ये इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेटा पाइपलाइन हमारे पास क्या हुई, सिंपल लफ्ज़ों में
फीचर्स को लिया, फीचर्स के ऊपर प्रोसेसिंग की सारी की सारी, उन प्रोसेसिंग के अगेंस्ट आपने मशीन लर्निंग के अंदर फेड अप किया उन फीचर्स को, और फिर उसके रिजल्ट्स को देख लिया। इसी तरह एक फीचर को किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, एंड सो ऑन, जितने एन फीचर्स आपके पास हैं सबकी मदद से आपने ये देख लिया। अच्छा, इसी तरह दूसरा मेन कॉन्सेप्ट जो हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने इवेल्युएट कैसे करना है डाटा को, उसके लिए दो मेजर हैं, एक है ये मीन एब्सोल्यूट एरर के नाम से और एक है रूट मीन स्क्वायर एरर के नाम से। मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आप देखें तो आपको क्लियर ये नज़र आएगा कि आपके पास जो एक्चुअल डाटा है और जो आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। आपने क्या करना है, हर पॉइंट के लिए वो वैल्यूज निकालनी है और बाद में उनका सम ले लेना। इसी तरह अगर उसका रूट मीन स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो रूट मीन स्क्वायर एरर बन जाता है। तो सिंपल हमारे पास क्या होगा कि रूट मीन स्क्वायर एरर में क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो उसका रूट लिया जाएगा इसका मीन एब्सोल्यूट एरर का, और बाकी मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर करता है कि आपके पास क्या है, एक फीचर उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, या एक क्लासिफायर जब आपने प्रेडिक्ट किया उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, दोनों में डिफरेंस आपने फाइंड आउट करते जाना। जैसे लेट्स से इसके पहले भी शायद एग्जांपल हमने ली थी, हम कहते हैं कि यार एक घर है, उसका हमारे एकदम ने प्रेडिक्ट किया इसकी वैल्यू है लेट्स से 1 मिलियन और एक्चुअल वैल्यू थी 1.1 मिलियन, तो अब कितना एरर आ गया 0.1 मिलियन का। फिर दूसरे का आपने दूसरे घर का चेक किया, तीसरे घर का चेक किया, चौथे का चेक किया, और इस तरह आप चेक करते जाओगे कि एक्चुअल में और उसमें फ़र्क क्या आ रहा है। तो जो इन सब के सम को कर दोगे, जिसका सम कम होगा वो एल्गोरिथम आपका ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा, उस मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर होंगे।